नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 11 दिसंबर 2018, समय 9:08:22 हो रहे हैं और निफ्टी का प्री ओपन सेशन खत्म हो चुका है। आज भी निफ्टी 138 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है 138.40, यानी कि कल की जो इसकी क्लोजिंग थी अगर हम लोग देखें, कल की क्लोजिंग 10,488 पे थी, यानी 10,488 पर। आज ओपनिंग हो रहा है 10,350 पर, यानी 138 पॉइंट डाउन हो गया है। भयंकर गिरावट है, तो हम लोग इस गिरावट से फिर संभल के करेंगे। ट्रेड मिलेगा तो करना है आराम से, नहीं तो बैठे रहेंगे। जरूरी नहीं है डेली ट्रेड करना, ठीक है। तो इस तरह से इतनी वॉलेटिलिटी में शुरू में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत अनुभवी वाले हैं, अनुभव है आपको ट्रेड करने का बहुत सालों का, तभी आप रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं, वरना चुपचाप बैठ के खेल देखिए, तमाशा देखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में, मैं रवि कुमार 11 दिसंबर 2018 के इंट्राडे लाइव ट्रेड में मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का। मैं अपना स्टॉक लगा लेता हूँ जो मैंने दिया था 3 स्टार में और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। पहला था 3 स्टार में जो यूट्यूब चैनल पे मैं देता हूँ, उसमें डिवीज लैब था, दूसरा टाटा स्टील था, मैं यहाँ जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तीसरा NIT टेक था, चौथा जो टेलीग्राम पे दिया था वो ICICI बैंक था और ग्रासी में दिया, यानी 2 स्टॉक मैंने अभी टेलीग्राम पे डाला और बाकी मैंने 3 स्टॉक 3 स्टार यूट्यूब में दिया है। तो चलिए, समय हो रहा है 9:09:52, देखते हैं आज मार्केट का क्या पोजीशन होता है। एकदम भयंकर गिरावट है, एकदम गिरावट से बच के रहना है। प्री ओपन भी देख लीजिए, प्री ओपन में 10,341 आपको प्री ओपन में तो और दिखा रहा है, अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस प्री ओपन सेशन को, है ना। हाँ, 138 पॉइंट डाउन है और जो सबसे ज़्यादा ऊपर में गैप अप ओपनिंग हो रहा है वो IOC का ही है, हिंद पेट्रो BPCL, यानी तीनों तेल कंपनियां जो है, गैस कंपनियां, तेल कंपनी, ये तीनों ही ऊपर ओपन हो रही है, जिसमें IOC सबसे ज़्यादा है 3.28%। तो लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स डाउन है, सबसे ज़्यादा कोटक बैंक डाउन है 7%, उसके बाद अडानी पोर्ट 7%, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 6%। देखते हैं कहाँ पे क्या आज होता है, नहीं तो बैठे रहेंगे हम लोग चुपचाप से। चलिए देखते हैं, हम लोग अभी रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं और आप लोग को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर अपडेट करूँगा। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 9:11:46 और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं IOC 3.28% गैप अप ओपन हो रहा है। मैं एक AMO ऑर्डर पे, मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि आप AMO ऑर्डर कैसे लगाते हैं, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो देखिए, AMO ऑर्डर के बारे में हमें बता दूं कि मार्केट बंद होने के बाद और खुलने से पहले आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मुझे IOC में, मैं एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ आपको दिखाता हूँ, अभी मार्केट 9:12 हो रहा है, मार्केट बंद है, तो मैं यहाँ पहले से एक ऑर्डर लगा सकता हूँ, मुझे लगता है ये डाउन जाने वाला है तो मैंने ऐसे लगा दिया। सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, है आपको करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना रिस्क पे कर सकते हैं अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है तो। और यहाँ मैंने मार्केट प्राइस ही सेट कर दिया कि जो मार्केट में प्राइस चलेगा उसी प्राइस में मैं चाहता हूँ ये सेल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे ऑप्शन लिया, इसको आप कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं नॉर्मल ऑर्डर में। तो यहाँ पे मार्केट सेट है पहले से, प्राइस देना चाहें तो आप प्राइस पे भी दे सकते हैं, जो प्राइस आएगा उस प्राइस पे वो सेल हो जाएगा आपका अगर प्राइस आएगा तो, नहीं तो आपको यहाँ मार्केट प्राइस पे देना होगा। यहाँ 100 क्वांटिटी मैंने दिया IOC का और कर दिया सेल। देखिए प्लेस हो गया ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। तो देखिए ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ पेंडिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है ना IOC सेल साइड, है ना, मैंने मार्केट प्राइस पे सेल किया। आप देखिए इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट या होगा ये मुझे पता नहीं, पर चलिए आप लोगों ने पूछा था कि कैसे लगाते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। इसको मैं चाहता तो 3:30 बजे के बाद, यानी 5 बजे के बाद जब मार्केट होता है सेटल ना, 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती और किसी स्टॉक में मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग होने वाला या गैप अप ओपनिंग होने वाला, तो उसी टाइम मार्केट प्राइस में AMO ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक IOC में एग्जांपल दिया है, अभी जस्ट मार्केट जैसे ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा ये IOC में मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसी वक्त सेल हो जाएगा, अभी तो मार्केट ओपन नहीं है।
तो जो भी मार्केट जब ओपन होने के बाद जो भी प्राइस आएगा उसी प्राइस में वो सेल हो जाएगा 100 क्वांटिटी, मैंने यहाँ 100 क्वांटिटी को सेल किया है। तो बस देखते हैं इसमें आप लोग, बस सीखने के लिहाज से, सिखाने के लिहाज से मैंने ये किया है, जरूरी नहीं आप लोग करें ऐसा, है ना। तो अभी हम इसका वेट करते हैं कि क्या होता है। अभी 9:14:30 हो रहे हैं, हम लोग वेट करते हैं, तब तक कुछ देख लें क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, और टेलीग्राम भी ओपन कर लेता हूँ, अगर कुछ कॉल्स मिलेगा तो दूंगा। चलिए हम लोग वेट करते हैं, और ये ओपन हो गया शायद, हाँ दोस्तों ये मार्केट ओपन हो गया है, 9:15:17 हो गया। देखिए आईओसी में मैंने सेल किया था ना, क्या प्राइस चल रहा है, मेरा ऑर्डर लगा कि नहीं लगा पता नहीं, अभी पेंडिंग है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, देखता हूँ मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, स्टॉप लॉस भी मैंने नहीं लगाया अभी। आईओसी आईओसी कहाँ गया भैया, आईओसी कॉल पोजीशन, हाँ 80 का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, 80 का प्रॉफिट, 90 का प्रॉफिट हो गया, ये देखिए कमाल हो गया ये 80 का प्रॉफिट, 90 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं स्टॉप लॉस लगाया तो इसी कैंडल का हाई पे है ना 133.55, तो मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 133, क्वांटिटी 100 का है, और स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा दिया 133.55 का, और उसको कर दिया बाय, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अभी 55 का प्रॉफिट, 80 का प्रॉफिट, कितना 100 का हो गया था मुझे लगता है तो इस तरह से हम लोग मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मुझे लगा निफ्टी डाउन साइड जाने वाला था तो मैंने सेल कर दिया इसको पहले, इस तरह से मुझे लगा, ठीक ना। अब देखिए ये खत्म होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है, मेरा प्रॉफिट 20 रुपये बचा, तो इससे क्या होगा कि मैं इसको काट सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं काट भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मैंने काट दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देखा आपने। तो ये 25 रुपये का मुझे यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो गया। तो ये होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, अगर मुझे यहाँ पे काटना रहता अभी मैं काट सकता था, तो अच्छा खासा आ भी रहा था, खैर कोई बात नहीं, सीखने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा स्टॉक बनता है कहाँ पर। समय हो रहा है 9:16:17 हो गए, रिकॉर्डिंग पॉज कर, सारे स्टॉक गैप डाउन ओपन हो गया है, डिवीज लैब देखूं क्या कर रहा है, टाटा स्टील को 506, नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 9:18:38। देखिए अभी मैंने 100 क्वांटिटी फिर आईओसी में सेल कर दिया, जो मुझे 20 का लॉस हुआ था पहले, अभी वो 25 का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कि कवर हो गया, कुछ खास नहीं, मुझे लगा इससे ऊपर अब नहीं जा सकता है, क्या कि निफ्टी भी पूरा का पूरा डाउन साइड में ही है, अगर यहाँ पे सस्टेन कर ले रहता है तो फिर चला जाए ऊपर, वरना निफ्टी तो निगेटिव साइड ही है। देखिए 35 का प्रॉफिट चल रहा है, मैंने सही किया था, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगा दिया, ज़्यादा ज़्यादा फिर ज़्यादा ज़्यादा 50-60 रुपये जा सकता है। अभी मैं थोड़ा सा स्टॉक चेक कर लेता हूँ सर, है ना, कौन कौन स्टॉक हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 9:25:41। देखिए अभी आईओसी में ठीक ठाक चल रहा है, आईओसी में ठीक ठाक चल रहा है, 90 रुपये का आ गया, पहले जो 100 रुपये का आ गया, 20 रुपये का जो लॉस हुआ था। ये देखिए कौन सा है, मैं बता दूं, ये गैप अप गैप डाउन वाली थ्योरी है, मैं बताता हूं। देखिए एनईसी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है आपको, मेरा जो स्ट्रेटेजी थे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग, गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटेजी प्लस ओपन इज इक्वल टू हाई वाली, तो आप यहाँ देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ प्री ओपन में जाके आपको देखना है क्या हुआ था कि गैप अप हुआ था आईओसी, आईओसी कितना 3.2% गैप अप हुआ था, मैंने कहा था 1% या 1% से ज्यादा गैप अप होना चाहिए, तो ये गैप अप है, और गैप अप वाला स्टॉक को हम लोग सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे, तो इसको मैंने सेल किया, लेकिन सेल भी कब करेंगे, जब इसकी पहली 10 मिनट का कैंडल का ओपन इक्वल टू हाई रहेगा, ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई रहेगा। देखिए ओपन है 134 रुपये, 134, और हाई भी है 134, यानी ओपन इक्वल टू हाई है, तो ये हो गया गैप गैप अप वाला स्टॉक। तो इसमें मुझे मैंने कहा था सेकंड 10 मिनट की जो सेकंड कैंडल बनेगी उसकी लो के नीचे सेल करेंगे, तो मैंने पहले ही प्री ओपन में सेल किया था, खैर वो अलग बात है, अभी जब 10 मिनट की दूसरी कैंडल बन जाएगी ना उसके लो के नीचे मैं क्वांटिटी और इंक्रीज कर दूंगा, मैं देखता हूँ
उसके नीचे मैं क्वांटिटी और इंक्रीज कर दूंगा गैप अप वाली थ्योरी पे। बस ये थोड़ा सा अपडेट था जो आप लोगों को मैंने अपडेट किया। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके नीचे मैं और थोड़ी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूँ, है ना। इसके नीचे और मैं क्वांटिटी को 132 रुपये 25 पैसे के नीचे मैं और सेल ऑर्डर लगा देता हूँ, और सेल ऑर्डर लगा देता हूँ 132 रुपये 20 पैसे और 132 रुपये 25 पैसे सेल ऑर्डर लगा दिया। सेल ये मैंने लगा दिया है 10 मिनट की कैंडल के लो के नीचे। यहाँ पे कर देता हूँ इसको मॉडिफाई और कर देता हूँ सेट आके। अच्छा कर दिया, ऑर्डर लगा के रख दिया मैंने। अब ये अगर 10 मिनट के कैंडल के लो के नीचे आएगा तो सेल हो जाएगा। पहले से 100 क्वांटिटी का मेरे मुझे ऑर्डर लगा हुआ है, उसमें 50 का प्रॉफिट चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैंने जो AMO में किया था 20 रुपये का लॉस हो गया था। तो अभी हम लोग वेट करते हैं इसमें, है ना। रिकॉर्डिंग चलने देता हूँ, मैं आता हूँ जरा सा। चलिए दोस्तों देखते हैं, समय हो रहा है 9:37। नीचे आ रहा धीरे धीरे, शायद मेरा जो 200 क्वांटिटी और लगाया मैंने उसे ये ब्रेक कर देगा। गैप डाउन वाली गैप अप वाली थ्योरी पर मैंने लगाया, गैप अप वाली स्ट्रेटेजी पे। चलिए देखते हैं, 132 रुपया 35 पैसा के पास मैंने सेल ऑर्डर और लगा। एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर, समय हो रहा है 9:37 में, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। 10 का लॉस इधर चल रहा है, उधर 145 और 40 का प्रॉफिट चल रहा है, 50 का इधर प्रॉफिट, उधर 150 का, यानी 200 का तुरंत 80 का हो गया, 90 का हो गया। चलिए 210 340 टोटल कितना हो गया, 265 चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल चीजें हैं दोस्तों, सिंपल से चीजें करिए और आराम से स्ट्रेटेजी पे बिलीव करिए कुछ भी चीज को, है ना। उस पर देखिए काम आ जाता है आराम से। देखिए 200 120 उधर 150 हो जाएगा। मैं और भी इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता हूँ, अगर और जगह पे मिले तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता हूँ। अभी तो मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। चलिए वेट करते हैं हम लोग, तब तक ऊपर 100 क्वांटिटी का हालांकि स्टॉप लॉस लगा हुआ है मेरा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार, आप लोगों का इंटरडे लाइव ट्रेड में स्वागत है। चलिए वेट करते हैं हम लोग तब तक। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:08:44। देखिए मैंने क्वांटिटी और बढ़ा लिया है, टोटल 500 क्वांटिटी कर दिया इंडियन ऑयल में, IOC में टोटल 500 क्वांटिटी मैंने कर दिया। इसी में देखिए पहले मैंने लिया था 200 और 100 और फिर बाद में मैंने 200 क्वांटिटी और लिया, यानी 500 टोटल क्वांटिटी मेरा IOC में हो चुका है। टारगेट मेरा वही 132 के आसपास फिर होगा, 132 आता है तो मैं निकल जाऊंगा, उम्मीद तो है। मार्केट डाउन साइड में ही है, बस ये सपोर्ट लाइन है इसका, ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये तेजी, आपने देखा होगा पहले भी ये बहुत तेजी से यहाँ से आया था नीचे, लेकिन वापस से चला, यानी 132 से 131 तक इसका बहुत हेवी सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये 130 तक नीचे, 128 तक भी जा सकता है, इस लाइन तक भी ये 130 तक आ सकता है, यानी 132 और 132.50। अभी 210 का प्रॉफिट चल रहा है, 215 का चल रहा है, 240 का चल रहा है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आरके ट्रेडिंग, और ये मैंने कैसे लिया आपको पता है, मेरे YouTube चैनल पे जाइए, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग सर्च कीजिए, गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटेजी, 265 का प्रॉफिट हो गया। गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटेजी को सर्च कीजिए, वहाँ पूरा डिटेल उस स्ट्रेटेजी को मिल जाएगा, 265 का प्रॉफिट, 240 का। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ से वो स्ट्रेटेजी मिलेगी, मेरा इस चैनल को खोलिए, दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। और उसके बाद आपको जाना है मेरे चैनल में, जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं आप, यहाँ वीडियो में जाइए, वीडियो में जाने के बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग गैप अप गैप डाउन वाला है, ये देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग, इसी में गैप अप गैप डाउन का पूरा थ्योरी मैंने बताया कैसे ये काम करता है। तो इसको आप जाके देखिए, उसी पे मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए 265 का प्रॉफिट हो गया। मैं अभी ORB पे कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था, अभी मार्केट कंडीशन वैसी नहीं है कि मैं ORB पे ट्रेड करके आपको दिखा सकूँ, है ना, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो रहा है, अचानक से 100 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ORB PRB काम नहीं करता है। देखिए 210 का प्रॉफिट हो रहा है, 215 का,
तो मुझे लगता है ये 132 तक आना चाहिए। अगर 132 तक आता है तो मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा यहाँ से। चलिए 265 का प्रॉफिट चल रहा है, 255 चलते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। निफ्टी को थोड़ा सा अगर चेक करें तो निफ्टी भी डाउन साइड का ही मूवमेंट दे रहा है। बीच बीच में ये झटका लेता है हल्का, इस झटके से डरना नहीं है। इसको रेजिस्टेंस है 10,400 का, अब रेजिस्टेंस इसको मिल चुका है निफ्टी को। जब तक उसको पार नहीं करेगा तब तक निफ्टी में कुछ होना नहीं। 290 का प्रॉफिट चल रहा है अभी मेरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 290 का चल रहा है, 315 हो चुका। चलिए हम लोग वेट करते हैं, है ना। ये 309, 290, यहाँ पे बहुत हेवी सपोर्ट है इस स्टॉक को। यहाँ पे बहुत हेवी सपोर्ट मिला हुआ है, बस ये सपोर्ट थोड़ा ब्रेक कर दे तो मजा आ जाए। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देना तो मजा आ जाए। हाँ, वेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करते हैं। 290 का चल रहा है, मार्केट तो है डाउन साइड। चलिए चलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, 132 के पास आना चाहिए। 132.40 चल रहा है। स्टॉप लॉस को नीचे ले आता हूँ, 133.10 पे कर दिया एक स्टॉप लॉस, इसको भी कर दिया नीचे 133.15, और एक इसको भी ले आता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं, और कम हो गया मेरा। देखिए प्रॉफिट 315 का चल रहा है मुझे, 315 का आप यहाँ देख रहे हैं, मॉडिफाई कर लिया मैंने स्टॉप लॉस को, 315 का प्रॉफिट चल रहा है। 132 ब्रेक करे ना तो सीधा नीचे आएगा 131 की तरफ और 130 की तरफ। ये थोड़ा सा इशू हो रहा है इसको, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये 340 हो चुका है प्रॉफिट, 290, 340, 340, एक झटका और दे दो तो सीधे इसको तोड़ दो। 340, चलो चलो 290। चलिए मैं जो हूँ इसको प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत देर ये सपोर्ट ले रहा है, हालांकि मार्केट मार्केट डाउन ही है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट इसको बहुत हेवी है। सपोर्ट के वजह से थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मुझे, बाउंस बैक भी कर सकता है। 315 का प्रॉफिट, 340 का प्रॉफिट, चलो थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा, चलो एक झटका और दे दो नीचे, दे दो 340, 340, 340, चलो 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 340, 315। तो सिंपल स्ट्रेटेजी दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग, गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटेजी है। आप इसको देखिए कैसे ये वर्क करता है, मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी स्ट्रेटेजी कैसे मैं चूज करता हूँ स्टॉक को, ओआरबी पीआरबी के लिए ये सारे डिटेल मैंने बताया है। अपना बीटीएसटी क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया, बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैंने डाला हुआ है, फिबोनाची के बारे में बताया हुआ। तो आप जाके इसको चेक करिए, है ना, चैनल पर देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। देखो 415 का प्रॉफिट हो गया था, देखिए अभी 415 का हो गया था, 415, 415 का प्रॉफिट हो गया है। समय हो रहा है 10:14:20, बस यही लाइन, ये 132, हाँ 540 का प्रॉफिट हो गया, आ गया मेरा 540 का प्रॉफिट आ गया, शाबाश बहादुर। तो अब मैं इसको काट दूंगा, सारा प्रॉफिट ले लूंगा, खत्म करो कहानी, अपना काम हो गया, भाड़ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना चीज हो गया, ये सारा चीज मैंने कर लिया। चल तो इस तरह से मैंने 400 का प्रॉफिट कमा लिया इंडियन ऑयल में। सिंपल स्ट्रेटेजी गैप अप गैप डाउन वाली, उस पर काम करिए। अब आप लोग कहिएगा कि ओआरबी पे आपने क्यों नहीं किया। अरे भाई ओआरबी पे कैसे करता, कैसे करूंगा ओआरबी पे, सारा मार्केट ही गैप डाउन हो जाता है 100-100 पॉइंट, तो सारा पीआरबी खत्म हो जाता है, प्रीवियस रन सारा ओआरबी खत्म हो जाता है। हालांकि ओआरबी के लिए मैं बता दूं, अडानी पोर्ट को मैंने देखिए नजर में रखा था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अडानी पोर्ट को मैंने देखिए मार्क करके रखा था पीआरबी के लिए, ओआरबी के लिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए। लेकिन ये स्टॉक भी अभी रेंज नहीं तोड़ रहा। आप कहेंगे तो मैं एक ऑर्डर यहाँ पे आपको लगा के रख सकता हूँ, लीजिए मैं एक ऑर्डर लगा देता हूँ 357, 358 के पास मैं एक ऑर्डर लगा देता हूँ। हाँ 358 के पास एक ऑर्डर लगा देता हूँ मैं, 50 क्वांटिटी बाइंग में 358 लगा देता है, सॉरी 358, है ना। अरे बात सॉरी, ओ सर्दी, 358, 0.358 लगा दिया। लीजिए मैं एक ऑर्डर लगा के रख देता हूँ, और नीचे साइड भी एक सेल साइड ऑर्डर लगा देता हूँ 346 में, जिधर भी रेंज ब्रेक होगा
उधर रेंज चला जाएगा। ये एक ऑर्डर लगा के मैं रख देता हूँ 346 रुपया 10 पैसा, 346 रुपया, 346 इधर होगा और इधर 346 रुपया 15। चलिए यहाँ लगा दिया 50 क्वांटिटी, इसमें भी लगा देता हूँ सेल साइड में। ये रिजेक्टेड हो रहा है पता नहीं। तो चलिए मैंने एक ऑर्डर बाय साइड में लगा कर रख दिया, वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं। यही था मेरा ओआरबी पर, ये ओआरबी पर अभी ब्रेक कर नहीं रहा है। देखें कहाँ चला गया, आईओसी वहीं पर घूम रहा है ना, वहीं पर घूम रहा है, तो मैं निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, आप लोगों ने देख लिया सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मेरा। वर्क कीजिए, काम कीजिए, प्रॉफिट लीजिए, घर जाइए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार। इंटरडे लाइव ट्रेड में आप लोगों ने आज देखा गैप अप गैप डाउन प्लस ओपन स्किल टू लो और हाई पे कैसे काम करते हैं, ये आप लोगों ने मैंने दिखा दिया। तो चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम लोग अब मिलते हैं 3 बजे, जब मैं स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू डालूंगा तब। अब मार्केट में कोई स्टॉक मिल नहीं रहा है ढंग का जो मैं आप लोगों को अपडेट करूँ, तो फिर भी मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। चलिए मैं इस ट्रेड को बंद कर देता हूँ।